गुड मॉर्निंग एचडीएंस, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। लेट्स स्टार्ट लेसन टू, लाइब्रेरीज इन विंडो 10। कैसे हम मैनेज करते हैं अपने फाइल्स एंड फोल्डर को विंडो 10 में। सो लेट्स सी, फर्स्ट टॉपिक कम्स हियर इज विंडो एक्सप्लोरर। व्हाट इज विंडो एक्सप्लोरर एंड हाउ टू ओपन विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर इज़ ए प्रोग्राम। फर्स्ट थिंग रिमाइंडेड माई डियर स्टूडेंट, विंडो एक्सप्लोरर एक प्रोग्राम है, ऑल राइट, जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम की विंडो में इंस्टॉल होता है। ये प्रोग्राम जो आप विंडो डालते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, उसमें ये प्रोग्राम होता है। सो विंडो एक्सप्लोरर इज़ ए प्रोग्राम यूज्ड टू व्यूइंग फाइल्स एंड फोल्डर इन द कंप्यूटर। इसको यूज़ किया जाता है फाइल और फोल्डर को चेक करने के लिए, देखने के लिए। ऑल राइट, सो इट इज़ ए यूनिक प्रोग्राम। एक यूनिक प्रोग्राम है दैट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज एंड व्यू, जो हम फाइल एंड फोल्डर का प्रोग्राम है, इसकी हेल्प से ऑर्गेनाइज बना भी सकते हैं, देख भी सकते हैं फाइल और फोल्डर को डिफरेंट ड्राइव्स में। ड्राइव्स कौन कौन सी होती हैं आपकी, जैसे कि सी ड्राइव, डी ड्राइव ऑफ द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर, या आपके कंप्यूटर में कि हार्ड डिस्क के कंप्यूटर में होती है। जैसे आप माई कंप्यूटर ओपन करते हैं, माई कंप्यूटर में आपको सी ड्राइव और डी ड्राइव दिखाई दे जाती हैं मेमोरी स्पेसेस के साथ, ठीक है। तो विंडो एक्सप्लोरर, अगेन रिवाइज, विंडो एक्सप्लोरर इज़ ए प्रोग्राम, ऑल राइट। सो इट कंटेन्स फाइल एंड फोल्डर, सेकेंड थिंग। फर्स्ट थिंग इट इज़ ए प्रोग्राम, सेकेंड थिंग इट इज़ ऑर्गेनाइज फाइल एंड फोल्डर। किस तरह से फाइल और फोल्डर को रखना है, ये विंडो एक्सप्लोरर का काम होता है, जो कि डिफरेंट ड्राइव्स में होती हैं। और ड्राइव्स आपकी कहाँ होती है, एक्चुअल में हार्ड डिस्क में होती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ विंडो एक्सप्लोरर। सो हाउ टू ओपन विंडो एक्सप्लोरर इन द कंप्यूटर, कैसे हम विंडो एक्सप्लोरर को कंप्यूटर में ओपन करते हैं। फर्स्ट यू विल क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड राइट सर्च बॉक्स फाइल एक्सप्लोरर। ये आपका आइकन होता है फाइल एक्सप्लोरर का, जो कि आप देख रहे हैं, दिस इज़ योर आइकन फॉर द फाइल एक्सप्लोरर। एंड आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये आपका आइकन है फाइल एक्सप्लोरर का। आप सर्च बॉक्स में फाइल एक्सप्लोरर लिखेंगे, आपके सामने आइकन अवेलेबल हो जाएगा और यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सो When you click on File Explorer, this window you will see on your screen. ये window आप अपनी screen पर देखेंगे. So this is your File Explorer और Window Explorer. यहाँ से आप computer में रखी सभी files को open कर सकते हैं. You can see this is your C drive. ये आपकी C drive है यहाँ पर, और ये आपकी libraries हैं. इस बात को ध्यान रखना, दिस इज़ योर ड्राइव्स एंड दीज आर योर लाइब्रेरीज। ये आपकी लाइब्रेरी हैं एंड ये आपकी ड्राइव्स हैं। सो विंडो एक्सप्लोरर आपका ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। सो मैंने आपको यहाँ बताया कि ये आपकी ड्राइव होती है नीचे वाली, और ऊपर वाली आपकी लाइब्रेरीज होती हैं, डेस्कटॉप लाइब्रेरी, डाउनलोड लाइब्रेरी, पिक्चर लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, म्यूज़िक लाइब्रेरी एंड वीडियोस लाइब्रेरी। जैसे कि आप अपनी स्कूल लाइब्रेरी में भी देखते हैं, इंग्लिश की बुक वन कॉर्नर में रखी हैं, वन अलमीराज में हैं, एस लाइक दैट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक डिफरेंट अलमीरा में एक कलेक्शन के वे में रखी गई हैं। तो इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर सिस्टम का जो फाइल मैनेजमेंट है, वो क्या कहता है, डॉक्यूमेंट को एक ही फोल्डर में रखा जाए, म्यूज़िक को एक फोल्डर में, वीडियोस को एक फोल्डर में, पिक्चर सारी एक फोल्डर में आ जाएंगी, और डेस्कटॉप आइकन सारे एक फोल्डर में, एंड डाउनलोड के सारे सेम फोल्डर में। तो सबको डिफरेंट फोल्डर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, जिससे उनका फाइल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इजी हो, सिंपल हो, ठीक है। सो लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं, लाइब्रेरीज़ आर द यूज़र डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द कंटेंट। जो भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में फाइल को सेव करते हैं, वो फाइल सिस्टम यूज़र डिफाइंड होता है। हम कौन है, हम यूज़र हैं, ऑल राइट, वी आर द यूज़र्स, वी क्रिएट कंटेंट्स और फाइल। हम फाइल और अपना कंटेंट, फाइल और फोल्डर को क्रिएट करते हैं, और जो
क्रिएट करता है यूज़र, उसे यूज़र डिफाइंड बोला जाता है, ठीक है। सो दीज आर द लाइब्रेरीज क्या होती हैं, यूज़र डिफाइंड कलेक्शन होता है कंटेंट का, जो भी हम कंटेंट में फाइल और फोल्डर आते हैं, ठीक है। तो एक बात आप ध्यान रखना, लाइब्रेरीज क्या है, यूज़र डिफाइंड कलेक्शन है फाइल्स और फोल्डर का। नेक्स्ट, ए लाइब्रेरी ब्रिंग्स टुगेदर द सिमिलर कैटेगरी फाइल्स स्टोर्ड एट द डिफरेंट लोकेशन। डिफरेंट लोकेशन पे जो सिमिलर कैटेगरी की फाइल्स हैं उसको लाइब्रेरी एक साथ इकट्ठा करती है। सो दिस इज योर This is your definition of your library. Library brings together the similar category of files and folder at the different location. जो भी different location पे हमने files and folder बना रखे हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके रखती है, that is called your library. अब library कितने types की होती है, जैसे कि आप इस diagram में भी देख सकते हैं, there are 6 category available here and 4 are हेयर, डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, म्यूजिक लाइब्रेरी, पिक्चर लाइब्रेरी एंड वीडियो। अगर आपसे पूछा जाए गिव सम एग्जाम्पल ऑफ लाइब्रेरीज, तो यू कैन गिव दिस नेम, आप ये नेम बता सकते हैं कि ये लाइब्रेरीज हैं कंप्यूटर की। लेट्स कंटिन्यू। सो दिस इज योर फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर में टॉप मोस्ट इज योर फाइल एक्सप्लोरर, जो आपकी लाइब्रेरीज है, ये आपका पूरा फाइल एक्सप्लोरर है। इट मींस यहाँ से आप कंप्यूटर सिस्टम की किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, ऑल राइट। एंड दीज आर योर लाइब्रेरीज एंड दीज आर योर रिबन, ये आपका रिबन है। एंड दिस इज योर नेविगेशन पैन, ये नेविगेशन पैन है, मतलब एक फाइल से सेकेंड फाइल, सेकेंड फाइल टू थर्ड फाइल, किसी भी फाइल पे आप नेविगेट कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं विद दिस नेविगेशन पैन। इस ये पूरा नेविगेशन पैन है आपका, ठीक है। सो नेक्स्ट, चेंजिंग द व्यूज़ ऑफ फाइल एंड फोल्डर, हम अपने फाइल्स एंड फोल्डर के व्यूज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं। इट मीन्स लेट्स सी, आपको ये दिखाई दे रहा होगा डायग्राम लिटिल बिट, ये यहाँ पर आपके पास 8 व्यूज़ दिखाए गए हैं, 8 लेआउट दिखाए गए हैं। आई शो यू हेयर, व्यूज़ पे जब आप क्लिक करते हैं, व्यूज़ पे क्लिक करने के बाद एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, लिस्ट, लार्ज आइकन, स्मॉल आइकन एंड डिटेल। जैसे ही आप इस व्यूज़ पे या लेआउट पे जाते हैं, व्यूज़ में लेआउट ग्रुप है, लेआउट ग्रुप में आपको ये 6 और 8 लिस्ट आइटम मिल जाएंगे। जैसे कि अभी फ़िलहाल क्लिक किया हुआ है लार्ज आइकन, मतलब जो भी आपके फाइल एक्सप्लोरर में फाइल्स शो हो रही हैं वो लार्ज आइकन्स में शो होनी चाहिए, देन यू कैन सी एज लाइक दैट। लार्ज आइकन में आपको हर फाइल का आइकन लार्ज फॉर्मेट में दिखाई देगा, ऑल राइट। सो दीज आर द लेआउट व्यूज़। अगर आपको एक्स्ट्रा लार्ज आइकन शो करना है तो आप एक्स्ट्रा लार्ज पे क्लिक कर सकते हैं, अगर आपको मीडियम आइकन शो करना है तो आप मीडियम आइकन पे शो कर सकते हैं, अगर आपको लिस्ट या डिटेल पे देखना है तो आप इन पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको रिप्रेजेंटेशन चाहिए अपने फाइल्स और फोल्डर की, वैसा लेआउट आप चूज़ कर सकते हैं व्यूज़ टैब पे क्लिक करके, ऑल राइट स्टूडेंट्स। सो यू हैव टू रिमेंबर All these 8 layout, these are the 8 layout. If I ask what are the 8 layout available in the file and folder of the Windows Explorer, then you will tell me first is extra large icon, second is medium icon, third is list, and fourth is small icon, and fifth is detail, and two more available here is content and tiles. Content and tiles also available here. 8 layout are available. You can read all these layout from your book. आपको ये 8 layout book में से read करने हैं और इसके notes बनाने हैं layout का. This is your for your today homework. All right, students, you have to write 1 page for these 8 layout. 8 layout के लिए आपको एक page लिखना है, notes बनाने हैं इसके. So you can also see here extra large icon, medium icon, list, large, small, detail, content and list. These are 8 layout are available in the view tab.
सो हाउ विल यू ऑर्गेनाइज फाइल एंड फोल्डर इन द विंडो एक्सप्लोरर? आप अपने विंडो एक्सप्लोरर में कैसे किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं कोई फाइल, रीनेम कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं? ये सभी फंक्शन आप किसी फाइल पे राइट क्लिक करेंगे तो इजीली आप उसको ओपन भी कर सकते हैं और क्रिएट न्यू भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं और सिलेक्ट भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं और ड्रैग करके मूव भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं. तो ऑल फंक्शंस यू कैन ईजिली डू ऑन योर फाइल्स एंड फोल्डर. ये सभी फंक्शन आप अपने फाइल एंड फोल्डर पे ईजिली कर सकते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज व्यूइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ए फाइल एंड फोल्डर. आप अपने फाइल एंड फोल्डर की प्रॉपर्टीज को कैसे देख सकते हैं? सिंपल, बाय राइट क्लिक ऑन दैट फाइल्स और फोल्डर. आप अपनी फाइल पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाके उसकी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं. प्रॉपर्टीज़ में आप क्या क्या देखेंगे, उसका साइज़ कितना है, कब क्रिएट की गई और उसका फाइल एक्सटेंशन क्या है, ऑल दीज इंफॉर्मेशन यू कैन सी इन देयर प्रॉपर्टीज़. ऑलराइट, सो जस्ट यू हैव टू राइट क्लिक ऑन दैट फाइल और फोल्डर. आपको उस फाइल और फोल्डर पे राइट क्लिक करना है और आपके सामने प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पर आप उसकी सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं. ऑलराइट, कि ये फाइल कब बनाई गई, इसका फाइल का साइज़ कितना है, इस फाइल का एक्सटेंशन कितना है, ऑल दैट इंफॉर्मेशन यू कैन सी इन दी प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स. सो नेक्स्ट इज ग्रुपिंग फाइल्स और फोल्डर. कैसे आप अपने फाइल्स और फोल्डर को ग्रुप करते हैं? सिंपली, व्हेन यू क्लिक ऑन फाइल एक्सप्लोरर और विंडो एक्सप्लोरर, यू विल राइट क्लिक देयर ऑन. आप राइट क्लिक करेंगे और ग्रुप बाय ऑप्शन आपको वहाँ मिलेगा और ग्रुप बाय से आप वहाँ पर ग्रुपिंग कर सकते हैं, नेम से भी, डेट से भी, टाइप से भी और साइज से भी. ठीक है, नेम, डेट, टाइप, साइज, इन सब से आप उनको ग्रुप कर सकते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज हाउ यू विल यूज ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इन डेली यूजेज. यू न्यू इट वेरी वेल हाउ टू ओपन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड. जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन एंड राइट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, यू विल ओपन इजिली ऑन स्क्रीन कीबोर्ड फॉर योर कंप्यूटर यूजेज. एंड another option for opening the on screen keyboard, you will go on computer setting and choose ease of access. ease of access पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर कीबोर्ड को चूज करेंगे और टर्न ऑन कीबोर्ड के बटन को चूज करेंगे. आफ्टर दैट यू विल सी कीबोर्ड इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन योर स्क्रीन. आपके स्क्रीन पर कीबोर्ड अवेलेबल हो जाएगा जिससे आप अपनी कीबोर्ड फंक्शनिंग को कर सकते हैं अगर आपका हार्डवेयर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो. ठीक है, सो दिस इज़ फॉर योर लेसन टुडे. सो वेरी सून वी विल टेक जूम क्लास एंड वी विल सी हाउ प्रैक्टिकल ऑफ दिस चैप्टर विल गो ऑन. सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव ए गुड डे डियर स्टूडेंट्स, एंड रीड दिस लेसन वेरी केयरफुली. आई विल take a test of this lesson is also for today homework you have to make notes on layout pe notes banane hain. 8 layouts maine aapko bataye hain, wo aapko one page pe fair notebook mein likhkar aaj ke homework mein send karne hain.